हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इंदर और आप देख रहे हो टेक्निकल इंदर। तो फ्रेंड, आज हम बात कर रहे हैं नोकिया 6.1 प्लस वर्सी मोटो 1 पावर के कंपैरिजन की, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन एक ही प्राइस सेगमेंट में लॉन्च हुए हैं सेम स्पेसिफिकेशन के साथ। देखा जाए तो दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम ही फीचर मिल जाते हैं, सेम कैमरा मिल जाता है, सेम प्रोसेसर मिल जाता है। मतलब काफ़ी बंदे परेशान हैं यार कौन सा स्मार्टफोन लिया जाए, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन का जो प्राइस जो है वो 16,000 है। दोनों स्मार्टफोन आपको 16,000 में मिल जाते हैं। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना है और क्यों वो वाला स्मार्टफोन परचेज करना है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। शुरुआत करते हैं हम डिस्प्ले के साथ। नोकिया 6.1 प्लस में आपको मिलता है 5.8 इंच का नॉच वाला डिस्प्ले, फुल HD प्लस, जो 435 PPI के साथ आता है। रेजोल्यूशन की बात करें तो नोकिया 6.1 प्लस में आपको दी गई है 1080x2280 की रेजोल्यूशन, और मोटो वन पावर 6.2 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले है। और रेजोल्यूशन की बात करें तो इसमें आपको मिलती है 1080x2246 की रेजोल्यूशन, जो 407 PPI के साथ आती है। देखा जाए तो जो नोकिया 6.1 प्लस की जो डिस्प्ले है वो थोड़ी काफ़ी ब्राइट होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको 435 PPI पर इंच डेंसिटी दी गई है। उसके बाद कैमरा की बात करते हैं। कैमरा दोनों स्मार्टफोन में बैक में आपको 16+5 MP के देखने को मिल जाते हैं। हमने कुछ एक सैंपल लिया वो आप देख सकते हो। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे यार देखा जाए तो मतलब कहीं पे नोकिया 6.1 प्लस का कैमरा बेटर परफॉर्म कर रहा है एज ए कम्पेयर टू मोटो वन पावर। उसके बाद फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो फ्रंट कैमरा नोकिया 6.1 प्लस में आपको मिलता है 16 MP का और मोटो वन पावर में आपको मिलता है 12 MP का। मैंने कैमरा कंपैरिजन देखा था तो वहाँ पे भी नोकिया का 6.1 प्लस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। दोनों स्मार्टफोन में आपको मिलती है 4 GB की रैम और 64 GB की इंटरनल मेमोरी, और साथ में आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी मिलता है। मतलब आप दो सिम लगा सकते हो और साथ में एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो दोनों स्मार्टफोन पर। नोकिया 6.1 प्लस में आप 400 GB तक का मेमोरी कार्ड लगा सकते हो और मोटो वन पावर में आप 256 GB तक का मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। यार इतना तो कौन लगाता है, पर फिर भी। उसके बाद दोनों स्मार्टफोन आते हैं स्टॉक एंड्रॉयड के साथ और चलते हैं एंड्रॉयड ओरियो पे। तो मतलब पाई का अपडेट तो आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। बात आती है उसके बाद बैटरी की। नोकिया 6.1 प्लस में मिलती है आपको 3060 mAh की बैटरी और मोटो वन पावर में मिलती है आपको 5000 mAh की बैटरी। दोनों स्मार्टफोन टाइप सी के साथ आते हैं और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। तो मतलब यहाँ पे आपका मोटो वन पावर आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी, या डिस्प्ले भी बड़ी है, पर फिर भी मतलब मोटो वन पावर आगे निकल जाता है। उसके बाद लुक और डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे हमारा नोकिया का 6.1 प्लस आगे रहता है, क्योंकि अगर आप बैक से देखें तो जो ऊपर कैमरा लगाए गए हैं उसके नीचे ठीक नीचे बिल्कुल जो है वो फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया गया है, और मतलब फिनिशिंग भी इसकी अच्छी दी गई है, साइड कर्व है, मतलब अच्छे से, मतलब इसको अच्छे से फिनिश किया गया है। तो मतलब देखने और होल्ड करने में नोकिया 6.1 प्लस काफ़ी अच्छा है। फ्रंट से मतलब कंप्लीट डिज़ाइन है, और सिक्स जो मोटो वन पावर है वो भी देखने में तो अच्छा है, बैक से भी अच्छा, पर यार इसकी जो मेटल बॉडी है वो इतनी अच्छी मतलब प्रीमियम सी लुक नहीं देती आपको। थोड़ा बड़ा भी है, डिस्प्ले भी बड़ा दिया गया है, मतलब आपको होल्ड करने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। तो यहाँ पे आपका नोकिया का 6.1 प्लस आगे निकल जाता है। बस यही था इसका कंप्लीट सा कंपैरिजन। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन सा स्मार्टफोन क्यों परचेज करना है। अगर आप सोच रहे हो नोकिया का 6.1 प्लस परचेज करने की, इसमें आपको मिल जाता है अच्छा कैमरा, अच्छा लुक मिल जाता है आपको, और बस अगर हाँ साथ में थोड़ा सा पतला है, मतलब होल्ड करने में आपको इतनी जो है परेशानी नहीं होगी, और साथ में थोड़ा वेट भी कम है। और अपने मोटो वन पावर की बात करें तो मोटो वन पावर एक तो बड़ी बैटरी मिल जाती है आपको, बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है। अगर जिसको बड़ी डिस्प्ले और बड़ी बैटरी चाहिए भाई मोटो वन पावर की तरफ जाए। अगर छोटा सा फ़ोन कंप्लीट सा डिज़ाइन चाहिए आपको, मतलब ज़्यादा बड़ा झंझट नहीं चाहिए आपके हाथ में अच्छे से आ जाए, तो नोकिया 6.1 प्लस की जाए, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन का प्राइस है 16,000 रुपये। दोनों स्मार्टफोन में लगाए गए हैं स्नैपड्रैगन 636,
और तो आपको पता ही है, बस जो मैंने बताना था वो मैंने बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर भी कर दें, और कमेंट करके अगर मैंने कुछ एक बातें आपको नहीं बताई होगी तो वो आप कमेंट करके मुझे बता दें। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल टेक्निकली इंदर को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अगेन वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।